हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी इम्यूनिटी बूस्टर चटनी। ये टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए मैंने लिया है आंवला और उसके अलावा ये हैं उड़द दाल, चना दाल, सरसों, कुछ लहसुन की कलियाँ, हल्दी, सूखी लाल मिर्च, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और ये हैं तेल तड़का लगाने के लिए, जीरा, सरसों, करिया पत्ती, हींग, एक सूखी लाल मिर्च और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सबसे पहले मैंने आंवले को अच्छे से धो के इसका पूरा पानी पोंछ लिया है। उसके बाद इसके दोनों साइड से हम लोग काट लेते हैं। काट के इसके ऊपर जो लाइंस दिख रहे हैं उसके ऊपर हम लोग चीरा लगाएंगे। चीरा लगा के फिर काट के इसके पीसेस अलग अलग कर लेंगे। आप इस तरीके से काट सकते हैं या सिंपल भी कटिंग कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगे। ये एक तरीका हो गया, आप ऐसे काट सकते हैं या फिर ऐसे आंवला लेके छोटे छोटे इसके पीसेस कर सकते हैं। बस हमें इसका गूदा अलग करना है, बीज अलग करना है। हम लोग सिर्फ गूदे का इस्तेमाल करेंगे। अब सारे आंवले इसी तरीके से हम लोग काट लेंगे। सारे आंवले काट के रेडी हैं, अब मैंने रख रही हूँ साइड में। अब हम बनाएंगे चटनी। उसके लिए मैंने रखा है एक पैन। पैन जैसे गर्म हो गया इसमें मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। डालने के बाद अभी मैंने इसमें डाला है सरसों, ये 1 टीस्पून है। जैसे ये थोड़ा सा क्रैकल हुआ उसके बाद मैंने इसमें डाला है उड़द दाल और चना दाल, दोनों 1-1 टेबलस्पून है। बड़ा वाला जो स्पून होता है उसके अकॉर्डिंग डाल के अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करके अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन की कलियाँ। लहसुन जो एक होता है उसको मैंने अच्छे से छील लिया है, छील के उसका मैंने इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है सूखी लाल मिर्च। ये मोटी वाली मिर्च है जिससे कलर बहुत अच्छे से आता है, बट ये तीखा नहीं रहता है। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। ये चटनी बहुत जल्दी बनती है, साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। ये हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए अच्छा है ही, साथ ही साथ ये वज़न भी कम करता है। अभी ये काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखा है। मीडियम हाई फ्लेम पे ही मैं ये चटनी बना रही हूँ। अब मिर्ची भी थोड़े भुन गए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आंवला, जिसे हमने अच्छे से काट के रख लिया है। अब आंवला डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी ये 1/4 टीस्पून है, मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। हल्दी डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। ये चटनी की वजह आप इसे भून के ऐसे ही रोटी के साथ भी खा सकते हो। सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है इसकी। सब्जी के लिए बस ऐसे ही आपको सूखा भूनना है, उसके बाद इसे सर्व करना है। अभी मैंने इसमें डाला है नमक। नमक डाल के एक बार अच्छे से मिक्स करके ढक के धीमी आंच पे मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी, तब तक जब तक कि आंवला अच्छे से नहीं पकता है। अभी मैंने इसे ढक दिया है। मैं इसे 5 मिनट बाद चेक कर रही हूँ। बीच बीच में मैंने इसे ढक्कन निकाल के 2-3 बार मिक्स किया था। अब ये आंवला काफ़ी अच्छे से पक गया। पक गया कि नहीं चेक करने के लिए आप स्पून से इसे प्रेस करना। अगर अच्छे से ये दब रहा है मतलब ये पक चुका है। आप चाहो तो हाथ से प्रेस कर भी देख सकते हो। अब मैं इसे ठंडा कर रही हूँ गैस का फ्लेम ऑफ करके। अब आंवला काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। एक आंवला निकाल के मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं आंवला काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने मिक्सी का जार लिया है। अब मैं इसमें सारा चीज़ डाल दे रही हूँ। डाल के अब मैं इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। अभी मैंने इसे डाल लिया है। डाल के अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा दरदरा है, हम लोग इसमें पानी डालेंगे। इसमें पानी डालते समय हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। अगर हम लोग गर्म पानी डालेंगे तो चटनी ज़्यादा दिन तक रहेगी, मतलब 1 हफ्ते तक आप इसे बिना फ्रिज में रखे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें धनिया पत्ती डाला है। धनिया पत्ती डाल के एक बार मैं और ग्राइंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं चटनी काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गई है, एकदम चिकना मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। उसके पहले मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। ये चटनी बनाकर आप फ्रिज के बाहर रखकर 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रखने से ये 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होता है। ये रोटी, चावल, पराठा सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसे डोसा, इडली के साथ भी सर्व कर सकते हो। अभी मैंने सेम वही पैन रखा है तड़का लगाने के लिए। उसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। ज़्यादा ऑयल डालने से टेस्ट तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही ये ख़राब नहीं होता है जल्दी। अभी मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून जीरा और सरसों, 1
4 टीस्पून या 3 पिंच जितना हींग डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें एक सूखी मिर्च डाली है, उसके बाद मैंने इसमें डाला है करिया पत्ती डाल के मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बस तड़का बन के रेडी है, इसको मैं डाल रही हूँ चटनी के ऊपर। अब हमारा बहुत ही टेस्टी हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर आंवला चटनी बन के रेडी है। अब आप भी इसे बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।